आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी और झटपट बनने वाली कटोरी चाट की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कटोरी चाट बनाने के लिए मैं 1 कप मैदा लिए हैं और छोटा कप का मैं 1 कप कॉर्नफ्लावर लिए हैं। अभी मैं इसमें डालूंगी स्वादानुसार नमक। अभी मैं ड्राई सारी चीज़ को मिक्स कर लूंगी और थोड़ा थोड़ा पानी दे के मैं एक गाढ़ा बैटर बना लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बैटर बन गया है। अभी मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। अभी फिर से सारी चीज़ को मिक्स करके मैं एक लम्प फ्री गाढ़ा बैटर बना लूंगी। मेरा बैटर बन गया है। अभी मैं कटोरी को बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए डाल दिए थे। अभी मैं ऑयल में इस कच्छी को गर्म करूंगी। पहले मैं छोटा कटोरी बना रही हूँ। अभी मैं कच्छी को पोंछ लूंगी। इसे आप गर्म करके ही डाली है। अभी मैं जो बैटर बना के रखे थे उसमें मैं इसको डीप करूंगी। डीप करके मैं लो फ्लेम में कटोरी को कुक करूंगी। ये देखिए, अभी मैं बड़ा कटोरी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं एक तर का पैन लिए हैं। उसको मैं पहले गर्म कर लूंगी। गर्म करके पोंछ के मैं अंदर में बैटर डाल के कटोरी को बनाऊंगी। आप कोई भी साइज़ का कटोरी बना सकते हो। ये देखिए, मैं इसको पोंछ ली हूँ। अभी मैं इसका बीच में बैटर को डालूंगी। डाल के इसे मैं फ्राई करूंगी लो फ्लेम में। ये देखिए, अभी मैं इसे अनमोल्ड करूंगी। आप इसे ऐसा करके ही बनाए, ये बहुत टेस्टी बनते हैं और बनाने भी बहुत आसान है। ये देखिए, बीच में मैं ऑयल डाल दूंगी, अंदर से कुरकुरा बनता है ये। अभी मैं इसे इस प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूंगी। ऐसा करके मैं सारा कटोरी को बना लूंगी। मैं 12 कटोरी बना रही हूँ। ये देखिए, मैं ऐसा करके सारे कटोरी को फ्राई कर लिए हैं। अभी मैं चाट को बनाऊंगी, तो उसके लिए 1 कटोरी में बॉयल किया हुआ काला चना को डाली हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी बॉयल पोटैटो को, मैं काट कर ली हूँ, इसे मैं डाल दूंगी। साथ ही साथ मैं डालूंगी स्वादानुसार नमक। सारी चीज़ को मिक्स कर लूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ टमाटर और भुना हुआ जीरा पाउडर और डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। इसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हो। और डालूंगी काला नमक। अभी मैं सारी चीज़ को मिक्स कर लूंगी। अभी मैं चाट को बनाऊंगी, तो उसके लिए कटोरी को मैं अरेंज करूंगी। ये देखिए, मैं जो छोटा कटोरी बनाई थी उसे भी मैं डाल दूंगी। इसके बीच में मैं जो चाट बना के रखे थे उसे डालूंगी। चाट की और भी रेसिपी है मेरा चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, अभी मैं क्रंचीनेस के लिए इसमें डालूंगी भुना हुआ मूंगफली। आप अगर प्याज खाते हो तो इसमें आप प्याज भी डाल सकते हो। अभी मैं इसमें दही डालूंगी। और डालूंगी ग्रीन चटनी। इसका रेसिपी है मेरा चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर सकते हो। रेसिपी अच्छे लगे तो मेरा रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं इसमें डालूंगी इमली की मीठी चटनी। ये देखिए, मेरा चाट कितना कलरफुल लग रहा। अभी मैं इसमें डालूंगी अनारदाना। उम्मीद
उम्मीद करती हूँ आज का रेसिपी आप सबको अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा कोई रेसिपी में। अभी मैं एंड में इसमें डालूँगी भुजिया सेब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।